आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज, रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की थी अर्जी। गाजा में गई 4,137 लोगों की जान, हमास ने जारी किया आंकड़ा। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के इजरायली ब्यूरो को इजरायल ने दिया बंद करने का आदेश। राजधानी पटना में स्टेशन के पास एक होटल में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, मौके पर दो हथियार बरामद। बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसा, 30 फीट गहरी खाई में गिरी बस, दो की मौत, 20 घायल। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रेनिंग सेशन के दौरान एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, एक शख्स घायल। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में किया बड़ा उलटफेर, 3 सीटों पर बदले प्रत्याशी, बीजेपी के 4 बगावती नेताओं को दिया टिकट। पंजाब सरकार और राज्यपाल में विवाद के बीच विधानसभा सत्र स्थगित, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीएम मान। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी के चलते सिटी गैस कंपनियों के स्टॉक हुए धड़ाम, 2 दिनों में 15% तक टूटा आईजीएल का शेयर। एफएमसीडी और मिड कैंप स्टॉक्स में बिकवाली ने बिगाड़ा शेयर बाजार का मूड, लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट के साथ हुआ क्लोज।